नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक अच्छी खबर है। अब प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी से उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिपक्ष अध्यक्ष 2020 पूरे प्रदेश में लागू हो गया है, जिसके तहत जबरन धर्मांतरण करवाने वाले पर पीड़ित को 5 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति और साथ ही जेल जुर्माना भी देना होगा। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति अपने पहले के धर्म में वापस जाना चाहता है तो यह अध्यादेश उस पर लागू नहीं होगा। अगर कोई दबाव बनाकर, लालच देकर या अपने प्रभाव में लेकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसके खिलाफ पीड़ित के माता पिता, भाई बहन या कोई भी सगा व्यक्ति FIR दर्ज करवा सकता है। अध्यादेश की धारा 3 के तहत इस तरह के काम को अपराध माना गया है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले DM के यहाँ आवेदन देना पड़ेगा। इसके बाद DM के स्तर से पुलिस के जरिए धर्म परिवर्तन के कारण किसी तरह के दबाव की जांच करवाई जाएगी और उसके बाद ही आपको धर्म परिवर्तन करने की अनुमति मिलेगी। लव जिहाद को लेकर सरकार सख्त कानून बना रही है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब सवाल उठता है कि जब सख्त कानून है, इसके बावजूद ऐसे लोगों के मन में खौफ क्यों नहीं है जो पर्दे के पीछे ऐसी कारनामों को अंजाम देते हैं। लव जिहाद को खत्म करने के लिए जैसे जैसे सरकार ने अपने तेवर बदले, ठीक उसी तरह अफसरशाही ने भी इस मामले पर सख्त से सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया है। मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के देवरनिया का है, जहां लव जिहाद को लेकर पहली FIR दर्ज हुई है। यहां जबरन धर्मांतरण को लेकर बरेली पुलिस ने पहली FIR दर्ज की है। यूपी के बरेली में लव जिहाद को लेकर पहली FIR दर्ज हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपी के खिलाफ क्या सख्त सख्त कार्रवाई करती है, जिससे ऐसे मामलों में आरोपी ऐसी घटना को अंजाम देने को 100 बार सोचने को मजबूर हो जाए और जिहाद के नाम पर किसी भी लड़की के जिंदगी से खिलवाड़ ना करे। उमाकांत पुंडीर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, बरेली। दरअसल यहां उवेश अहमद नाम के एक शख्स पर आरोप है कि उसने दूसरे धर्म की एक छात्रा को शादी का लालच देकर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। जैसे ही पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो पुलिस ने हरकत में आकर उवेश अहमद के खिलाफ FIR दर्ज की। छात्रा के परिजनों के मुताबिक समयपुर गांव का रहने वाला उवेश अहमद के पुत्र रफीक अहमद ने पहले तो उसकी बेटी से जान पहचान की, उसके बाद छात्रा पर दबाव बनाकर उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया। जितने भी लव जिहाद के माध्यम से शादी हुई या तलाक हुआ, अभी आप देख लीजिए जयपुर वाला मामला, या तलाक हुआ या लड़की मार दी गई या कुछ और हो गया, मतलब मैं देख रहा हूँ ये जो लव जिहाद वाले मामले हैं उसमें से 1% भी मामला सफल नहीं होता। इसमें केवल हिंदुओं की लड़की को फंसा के उससे औलाद पैदा करके उनको आतंकी तैयार करना, वो केवल उसको औलाद पैदा करने की मशीन बनाना, ये काम है केवल, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर प्रेम विवाह हो तो प्रेम विवाह करने वाले मुसलमान तो हमारे यहाँ भी तो हैं। मुख्तार खान नकवी नहीं है क्या? शाहनवाज हुसैन नहीं है क्या? कौन आलोचना करता है? कौन क्या कहता है? और नहीं है, दर्जनों गिना सकता हूँ। लेकिन वास्तव में इंसान जो अगर कोई वास्तव में सही करे, जिसकी नीयत ठीक हो, जिसकी नीयत ही ठीक नहीं है, तो लव जिहाद ये जिहाद का एक अंग है। लव के हिसाब से जिहाद पूरब से पश्चिम, सूर्योदय से सूर्यास्त तक इस्लाम का झंडा बुलंद करना, इसका वो इतना ही नहीं, जब छात्रा ने धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो उवेश अहमद ने उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में आरोपी उवेश के खिलाफ 504 और 503 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि जबरन धर्म परिवर्तन का रोहेल खंड में ये पहला मामला है। लव होना, लव मैरिज होना बात अलग है, लेकिन लव जिहाद होना बात अलग है, बहुत बड़ा बुनियादी अंतर है। तो अगर प्रेम विवाह है, मुसलमान लड़का हो या लड़की हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब लव जिहाद हो केवल इसलिए कि कुछ पैसे मिलेंगे, इसलिए किसी हिंदू लड़की को फंसाना है, उससे आतंकी पैदा करने हैं और लात मार के भगा देना है, वो लव जिहाद है। मशहूर संगीतकार दिवंगत वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने वाजिद खान के परिवार पर आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पर काफी लंबा पोस्ट लिखा है
और उनके साथ हुए अत्याचार की कहानी बताई है। उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बात लोगों के सामने रखी, जिसमें उन्होंने अंतरजातीय शादी यानी इंटरकास्ट वेडिंग के बाद वाजिद खान की फैमिली की ओर से किए गए उत्पीड़न की बात की है। वाजिद के देहांत के बाद उनके ससुराल के लोगों ने जबरदस्ती इस्लाम धर्म कुंबूलने की बात कही। कमल रुख ने वाजिद के परिवार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि वे पारसी हैं और उनके पति वाजिद मुस्लिम। अब इस मामले पर कंगना ने अपना रिएक्शन दिया है और ट्वीट किया है। कंगना ने लिखा, इस देश में पारसी सही में अल्पसंख्यक हैं। वह देश पर कब्जा करने नहीं आए हैं, वह तो तलाश में आए थे और उन्होंने बहुत आराम से भारत माता का प्यार मांगा था। हमारे देश की सुंदरता, वृद्धि और आर्थिक मामलों में उनकी छोटी सी जनसंख्या ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथ ही कंगना ने लिखा, यह मेरे दोस्त की विधवा हैं, जिन्हें परिवार द्वारा परेशान किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहती हूं कि अल्पसंख्यक लोग जो ड्रामा नहीं करते, किसी का सर कलम नहीं करते, दंगे और धर्म परिवर्तन नहीं करते, उन्हें हम कैसे सुरक्षित रखें? पारसियों की कम होती जनसंख्या भारत के कैरेक्टर के बारे में बड़ा खुलासा करती है।